हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट 10 वोकेबलरीज यानी वर्ड मीनिंग वाली क्लास। तो चलिए आइए, पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे सामने। चलिए भाई, शुरू करने से पहले फटाफट एक बार जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए यार। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन मिलती है आपके लिए काम करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कमेंडेबल। क्या भाई? कमेंडेबल वर्ब है ये। इसकी हिंदी में देखते हैं क्या है भाई, सराहनीय है। क्या है? सराहनीय है। और यह इसको क्या बोलते हैं, प्रशंसनीय है। क्या बोलते हैं? प्रशंसनीय है। इंग्लिश में इसको और बोल सकते हैं एडमायरेबल या प्रेजवर्दी। क्या? एडमायरेबल या प्रेजवर्दी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्या है, गरीब बच्चों की मदद करने में आपकी पहल बेहद सराहनीय है। गरीब बच्चों की मदद करने में की आपकी पहल बेहद सराहनीय है। अगला है योर इनिशिएटिव। योर इनिशिएटिव टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इज हाईली कमेंडेबल। योर इनिशिएटिव टू द पुअर पीपल पुअर चिल्ड्रन इज हाईली कमेंडेबल। ठीक है भाई, समझ गए। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा और। कह रहा है अमन की कड़ी मेहनत वाकई में सराहनीय है। अमन की कड़ी मेहनत वाकई में सराहनीय है। तो क्या बोलेंगे, अमन्स हार्ड वर्क इज रियली कमेंडेबल। अमन्स हार्ड वर्क इज रियली कमेंडेबल। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, कमेंट। क्या है कमेंट? क्या मतलब होता है इसका, टिप्पणी करना, रिमार्क या ओपिनियन बोल सकते हैं इसको। रिमार्क या ओपिनियन। कमेंट को क्या और बोल सकते हैं इंग्लिश में, रिमार्क या ओपिनियन। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कहा भाई, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो क्या बोलेंगे भाई, द लोकसभा स्पीकर सेड डिफेमेट्री कमेंट्स विल नॉट टॉलरेटेड। द लोकसभा स्पीकर सेड डिफेमेट्री कमेंट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये रहा, क्या कह रहा है, क्या मैं इस वीडियो पर आपका मत जान सकता हूं। क्या मैं इस वीडियो पर आपका मत जान सकता हूं। मे आई नो योर कमेंट ऑन दिस वीडियो। मे आई नो योर कमेंट ऑन दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं, कंपैशन। क्या है भाई कंपैशन? क्या है? नाउन है। इसकी मीनिंग की बात कर दें तो ये रहा मीनिंग इसका, क्या होता है, दया, सिंपति बोल सकते हैं इसको या ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपति या ह्यूमैनिटी। आइए जरा देखें, कह रहे हैं हमें मूक जानवरों और पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। हमें मूक जानवर और पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, आखिर वे भी जीवित प्राणी हैं। आखिर वे भी जीवित प्राणी हैं। तो क्या बोलेंगे, वी शुड हैव कंपैशन। वी शुड हैव कंपैशन टुआर्ड्स म्यूट एनिमल्स एंड बर्ड्स, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। क्या बोल रहे हैं भाई, वी शुड हैव कंपैशन टुवर्ड्स म्यूट एनिमल एंड बर्ड्स, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं मदर टेरेसा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। मदर टेरेसा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वे गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखती थी। वो गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखती थी। देखते हैं जरा, कह रहे हैं मदर टेरेसा पर्सनैलिटी वॉज वेरी इंस्पिरेशनल एंड शी हैज़ कंपैशन टुवार्ड्स द नीडी एज वेल एज द पुअर पीपल। ठीक है, क्या बोल रहा भाई, मदर टेरेसा पर्सनैलिटी वॉज वेरी इंस्पिरेशनल एंड शी हैज़ कंपैशन टुवार्ड्स द नीड एज वेल एज द पुअर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है कंपेयर? क्या है वर्ब? मीनिंग देखते हैं जरा उसका, क्या तुलना करना या मिलाना। तुलना करना या मिलाना, रिलेटिंग या मैचिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, करें अपने बच्चों की तुलना
दूसरों के साथ ना करें, अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ ना करें तो क्या बोलेंगे? डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स, डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अनीता हमेशा अपनी सास की तुलना अपनी माँ से करती है। क्या भाई? अनीता हमेशा अपनी तुलना अपनी सास की तुलना अपनी माँ से करती है तो क्या बोलेंगे? अनीता ऑलवेज कंपेयर हर मदर इन लॉ विद हर ओन मदर। अनीता ऑलवेज कंपेयर हर मदर इन लॉ विद हर ओन मदर। आगे बढ़ते हैं, कंपैटिबल क्या होता है भाई? कंपैटिबल एडजेक्टिव है ये, जरा देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। संगत या अनुरूप या रिवेलेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है हमें एक दूसरे के साथ भाता नहीं है, हमें एक दूसरे का साथ भाता नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? वी आर नॉट कंपेटेबल टू ईच अदर, वी आर नॉट कंपेटेबल टू ईच अदर। अगला है, ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल के अनुरूप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल के अनुरूप नहीं है। तो दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपेटेबल टू माई मोबाइल, दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपेटेबल टू माई मोबाइल। अगला है कंप्लेन, क्या है भाई? कंप्लेन क्या है? वर्ब है ये, आइए जरा देखते हैं। कह रहा है शिकायत करना या आलोचना करना, शिकायत करना या आलोचना करना, टू रिपोर्ट या टू क्रिटिसाइज। चलिए, कह रहा है यदि आप इस होटल की सेवा से नाखुश हैं तो अपने प्रबंधक से शिकायत करनी चाहिए। यदि आप इस होटल की सेवा से नाखुश हैं तो आपको प्रबंधक से शिकायत करनी चाहिए। इफ़ यू अनहैप्पी विद द सर्विस ऑफ दिस होटल, इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द सर्विस ऑफ दिस होटल, यू शुड कंप्लेन टू द मैनेजर। इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द सर्विस ऑफ दिस होटल, यू शुड कंप्लेन टू द मैनेजर। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए बोलिए मेरे साथ। चलिए भाई, यहाँ पे क्या है? नो लिखा है, नर्स होगा यहाँ पे, क्या होगा? नर्स, थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, सुधार लेना। देखो नीचे लिखा है नर्स। कह रहा है नर्स ने अधिक काम और कम वेतन होने की आलोचना की। भाई क्या किया? नर्स ने अधिक काम और कम वेतन होने की आलोचना किया। तो नर्स कंप्लेन ऑफ बीइंग ओवरवर्कड, ओवरवर्कड एंड अंडरपेड, नर्स कंप्लेन ऑफ बीइंग ओवरवर्कड एंड अंडरपेड। क्या भाई? अंडरपेड मतलब कम देना, ठीक है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एडजेक्टिव है ये, जरा देखते हैं इसका मीनिंग। कह रहा है मुफ्त प्रशंसा के साथ मुफ्त मिला हुआ कुछ, ठीक है, या तो मुफ्त में मिलना या प्रशंसा के साथ कुछ मुफ्त में मिलना, ठीक है। जैसे क्या बोल सकते हैं इसको? एप्रीशिएटिव, क्या बोल सकते हैं? एप्रीशिएटिव, या और क्या बोल सकते हैं? लाउडेट्री, क्या बोल सकते हैं? लाउडेट्री, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, कह रहा यह है सूप भोजन के साथ आपको निशुल्क दिया गया, निशुल्क मतलब क्या होता है? फ्री। कह रहा दिस सूप इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर फॉर यू विद द मील, द सूप इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू विद द मील। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कह रहा है मुझे फिल्म के लिए दो मुफ्त टिकट मिले, मुझे फिल्म के लिए दो मुफ्त टिकट मिले। कह रहा है आई हैव गॉट टू कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स फॉर द मूवी, आई हैव गॉट टू कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स फॉर द मूवी। आगे बात करते हैं कॉन्सील, क्या वो है भी? कॉन्सील क्या होता है? छिपाना या हाइड या कवर। छिपाना मतलब क्या होता है? छिपाना, इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्सील को हाइड या कवर ही बोल सकते हैं इसके अलावा। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं हम सत्य को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, हम सत्य को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। वी कैन नॉट कंसील ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग, वी कैन नॉट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। कह रहे हैं आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए, आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू शुडेंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक, यू शुडेंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या है भाई? कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? वर्ब है। अच्छा देखते हैं जरा, एकाग्रता या सांद्रता बोलते हैं, फोकस या डेंसिटी भी कुछ लोग बोलते हैं। कह रहा समुद्र
के पानी में नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो क्या बोलेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर इज वेरी हाई, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर इज वेरी हाई। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, क्या शतरंज के खेल के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता मतलब ध्यान की आवश्यकता होती है, शतरंज के खेल के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो क्या बोलेंगे, द गेम ऑफ चेस रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, द गेम ऑफ चेस रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कंसर्न। क्या है भाई, कंसर्न वर्ब है, देखते हैं जरा इसका मीनिंग। कह रहा है चिंता या संबंधित, चिंता या संबंधित, क्या बोलेंगे, टू वरी और टू डील विद, टू वरी या टू डील विद। चलिए जरा देखते हैं, कह रहा है फ्रांसीसी उपन्यास तीन बंदूकधारी सैनिक, तीन सैनिकों से संबंधित है, फ्रांसीसी उपन्यास तीन बंदूकधारी सैनिक तीन सैनिकों से संबंधित है। तो क्या बोलेंगे, द फ्रेंच नॉवल लेस ट्रॉइस मस्केटियर्स, क्या बोलेंगे भाई, लेस ट्रॉइस मस्केटियर्स कंसर्न विद थ्री सोल्जर्स, क्या बोलेंगे, द फ्रेंच नॉवल लेस ट्रॉइस मस्केटियर्स कंसर्न विद थ्री सोल्जर्स। तो भाई आगे बढ़ते हैं, कह रहा है माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, पेरेंट शुड नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट शुड नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो भाई ये थे आपके आज के 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, तो मिलते हैं कल।